मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बेटा आज हम आपका नया टॉपिक स्टार्ट करवाने जा रहे हैं जिसका नाम है एटम, न्यूक्लियाई एंड मॉलिक्यूल्स। आज हम बात करेंगे एटम की। 6 मार्क्स का बेटा ये चैप्टर है। अगर आपका सिलेबस देखा जाए तो 6 नंबर का चैप्टर है ये, जिसमें आप लोगों को 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट में भी आ सकता है और ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों को। तो इसमें बेटा सबसे पहले हम अगर बात करें जिसको हम स्मॉलेस्ट पार्टिकल कहते हैं एटम की, तो एटम जो है वो क्या है, ए प्लस टॉम। दो ए एक्चुअली दो वर्ड्स की कॉम्बिनेशन है, ए फॉर वन, टॉम विच कैन नॉट ब्रेक, विच कैन नॉट ब्रेक, जिसको हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं, वन विच कैन नॉट ब्रेक। एक्चुअली अगर डेफिनेशन इसका देखा जाए, एटम का डेफिनेशन देखा जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, वन विच कैन नॉट ब्रेक, उसको हम कहते हैं एटम। ठीक है, अब देखो बेटा, इनका नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा और एक्सपेरिमेंट भी किया होगा। अकॉर्डिंग टू लॉर्ड रदरफोर्ड, बेटा लॉर्ड रदरफोर्ड ने बताया था कि जो एटम होता है ना, एटम हैज़ सेंट्रल कोर। क्या होती है इसकी, सेंट्रल कोर होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉल्ड न्यूक्लियस। क्या कहते हैं इसको, न्यूक्लियस कहते हैं, विच कंटेन्स ऑल पॉजिटिव चार्ज का मतलब प्रोटॉन्स, इसमें सिर्फ प्रोटॉन्स होते हैं इन इट। ये इन्होंने बात बोली थी, ठीक है। ये किसने बोला था, लॉर्ड रदरफोर्ड ने, ठीक है। उन्होंने कहा कि अगर देखा जाए तो एटम की एक सेंट्रल कोर होती है, उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, जो सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज को कंटेन करती है अपने अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। और बेटा अगर इनका हम अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट देखें, ठीक, तो उसमें उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने बताया था कि अगर हम, उनने देखा क्या किया था, 10,000 अल्फा पार्टिकल्स को लिया था, 10,000 अल्फा पार्टिकल को इंसिडेंट करवाया था गोल्ड फाइल के ऊपर, और उसमें से 10,000 अल्फा पार्टिकल में से एक अल्फा पार्टिकल ने रिफ्लेक्शन शो की थी मोर देन 90 डिग्री, और वहाँ से उन्होंने ये कन्फर्मेशन ली थी कि जो साइज होता है न्यूक्लियस का, वो 10^-4 टाइम्स द साइज ऑफ एटम है। ये कहाँ से कंफर्मेशन मिली हमें, ये मिली थी हमें लॉर्ड रदरफोर्ड का जो अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा। मैंने आपको सिर्फ उसके बारे में थोड़ा सा रिकैप्चुलेशन करवाई है कि क्या उसका कंक्लूजन, कैसे लिखना है, द कंक्लूजन ऑफ द अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट विच वर गिवन बाय लॉर्ड रदरफोर्ड गिव अस, क्या 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 हमें बताता है कि उन्होंने 10,000 अल्फा पार्टिकल को इंसिडेंट किया था, जब इंसिडेंट करवाया था गोल्ड फाइल के ऊपर, तो वहाँ पर क्या हुआ था, 10,000 अल्फा पार्टिकल में से एक अल्फा पार्टिकल ने रिफ्लेक्शन शो की थी मोर देन 90 डिग्री, जहाँ से उन्होंने कंफर्म किया कि जो साइज ऑफ न्यूक्लियस है वो 10^-4 टाइम्स द साइज ऑफ एटम है। लेकिन अगर ये कन्फर्मेशन दी थी, और उन्होंने ये भी बात बताई कि जो एटम है वो न्यूट्रल होता है, ठीक है, क्या होता है, न्यूट्रल होता है। लेकिन आफ्टर जैसे जैसे टाइम चलता गया, बहुत सारी डिस्कवरीज हुई, बहुत सारी रिसर्चेज हुई, किसके ऊपर, एटम के ऊपर। तो देखो आप लोगों को पता है, जब 1932 से पहले किसी को पता ही नहीं था कि भाई जो न्यूक्लियस है, जो मतलब एटम है, जो उसकी सेंट्रल कोर है, उसमें प्रोटॉन के अलावा कुछ और भी है, और वो क्या थे, न्यूट्रॉन्स थे। देखो बात अगर प्रोटॉन की हो तो प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की थी, गोल्डस्टेन ने डिस्कवरी की थी, और कब की थी आप लोगों को याद होगा, अगर मैं बात करता हूँ प्रोटॉन्स की, ठीक है, तो इसको डिस्कवर करने वाले कौन थे, गोल्डस्टेन। कब किया था, 1886 में, और उन्होंने ये भी बात बताई थी कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है 1.602 × 10^-19 कूलम का चार्ज होता है, और इसका जो मास होता है 1.6726 इंटू
10^-27 kg ये मास ऑफ प्रोटॉन है, जहाँ अगर एटॉमिक मास यूनिट में देखना तो 1.0078 amu। ये सब कुछ किसने बताया था? ये हमें बताया था गोल्डस्टीन ने कि भाई प्रोटॉन है, प्रोटॉन जो है एक फंडामेंटल पार्टिकल है जिसका मास कितना है, मास 1.602 × 10^, इसका जो चार्ज है प्रोटॉन के ऊपर वो कितना है, 1.602 × 10^-19 कूलम। और उन्होंने बताया कि जो मास है प्रोटॉन पे वो कितना है, 1.6726 × 10^-27 kg। और जहाँ आप कह सकते हो कि एटॉमिक मास यूनिट में अगर देखा जाए तो 1.0078 amu एटॉमिक मास यूनिट में अगर देखा जाए। तो ये डिस्कवरी किसने की थी, गोल्डस्टीन ने की थी 1886 में की थी। ये तो बात थी प्रोटॉन की। लेकिन आप लोगों को याद रखना है एक बात का, जब 1932 में जेम्स चैडविक नाम है इनका, जेम्स चैडविक, एक जेम्स चैडविक थे 1932 में, इन्होंने बेटा डिस्कवर कर दिया किसको, न्यूट्रॉन को। और इन्होंने ये कहा कि जो इन एडिशन टू प्रोटॉन्स, ठीक है, इन एडिशन टू प्रोटॉन्स देयर आर न्यूट्रॉन्स आर आल्सो हियर, क्योंकि न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होते हैं, मास उनका सेम एज दैट ऑफ प्रोटॉन ही होता है। सिर्फ यहाँ पे अगर जो मास है प्रोटॉन का वो ये बताया गया है 1.67, तो ये 4×10^-27 kg ये मास दिया गया है प्रोटॉन का। और जहाँ अगर एटॉमिक मास यूनिट में देखेंगे तो 1.0081 amu, कुछ 81 कहते हैं, कुछ 86 कहते हैं, ठीक है। अब 86 भी कुछ बोलते हैं कि नहीं जी 1.0086 है एटॉमिक मास यूनिट, या दैट डिपेंड्स अपॉन योर वॉइस, बट यहाँ पे एक, ठीक है, इस तरह से। तो उन्होंने कहा कि जेम्स चैडविक ने क्या कहा, जेम्स चैडविक ने ये बात कही कि भाई प्रोटॉन्स न्यूक्लियस जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जिनका न्यूक्लियस बना हुआ है उसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स ही नहीं न्यूट्रॉन्स भी एग्जिस्ट कर रहे हैं जो न्यूट्रल हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, और उनका मास कितना है, इतना है फंडामेंटल पार्टिकल्स, ठीक है, 1.0081। अब ये भी कह सकते हो एटॉमिक मास यूनिट, मास इज सेम एज दैट ऑफ योर प्रोटॉन, ठीक है, और न्यूट्रल होते हैं और इनका एटॉमिक मास यूनिट में इतना मास होता है, ये किसने कहा। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जो एटम की, वो क्लियर हुई कब हुई, 1932 में। तो ये था बेटा हमारा आज का छोटा सा बेसिक लेक्चर ऑन द बेसिस ऑफ योर कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। तो कल हम इसको डिटेल बताएंगे, न्यूक्लियर साइज बताएंगे, डेंसिटी बताएंगे, एटॉमिक नंबर बताएंगे, एटॉमिक मास बताएंगे। Thank you very much.